लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चरण, आज अपने आप माँ कैसे बुला लिया तूने? उस दिन इतना कहा था। बाबा ने कहा है कि तुम छोटी माँ हो। बड़ी माँ कौन? वो जो उस दिन आई थी पान खाया था। मैं अब काली को माँ नहीं बुलाऊंगा। काली कौन? वो जो हमारे गांव में एक लड़की, उसके लिए भी बाबा कहते थे कि वो मेरी माँ लगती है। चरण खा ले, और अभी तक कपड़े भी नहीं सूखे उसके। क्या हुआ कपड़ों को? नदी में नहाने गया था। ओ, खा ले तो ऐसे भेज देना उसके कपड़े, सुखाने की जरूरत नहीं। मैं बाहर गाड़ी में बैठा हूँ। आप तो नाव से आए थे। हाँ, मैं डेरा गया था नाव से, इसीलिए गाड़ियाँ मंगवा ली थी। अंदर आके बैठ जा, जब तक चरण तैयार हो जाता है। नहीं, मैं बाहर ही ठीक हूँ। वो क्या अच्छा होगा, चार आदमी घर के बाहर बैठे देखेंगे। घर में जाते देखेंगे चार आदमी, वो भी ज्यादा अच्छा होगा। देखो, यूं दरवाजे पे खड़ी मैं तुमसे बातें करती रहूं, ये भी कोई अच्छा नहीं लगेगा। अंदर आके बैठ जाओ। बाबा, लड्डू खाओगे? पानी पीने को मिलेगा? ये क्या पहलवान जी, गमछा हमछा डालकर बैठे? नदी पे नहाने गया था बाबा, बहुत मजा आया। कल से आप भी गमछा लेकर आना, नहाने जाएंगे। कुछ भी, ये कहाँ गए हैं? फेरी पर? नहीं, शहर गए हैं। शहर क्यों? जाते हैं महीने दो महीने में सामान लाने। ये रोज रोज की आदत मत डालो चरण को, बाद में तंग करे। तंग करेगा तो मेरे पास भेज देना। ये तुम्हें माँ बुलाने लगा है, बाद में जिद करेगा तो क्या समझाऊंगा इसे। माँ ला देना, एक नहीं तो नहीं जिसे माँ कहता है चरण। और कौन है जिसे चरण माँ कहता है? वो एक है ना, बादल गांव में। बादल गांव में? काली का? तो सब बता दिया इस बदमाश ने। बताएगा क्यों नहीं? उसने ये नहीं बताया कि वो है कौन। हमारे यहाँ खाना पकाती है तारी ब्राह्मणी, उसी की बेटी है। जात तो मिलती है? हाँ, जात पात तो मिलती है, और लड़की है भी खूबसूरत, गोरी चिट्टी और जबान की भी मीठी है। लेकिन 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 उम्र की बहुत कम है बेचारी, 10-11 बरस की होगी। चरण की हम उम्र है, उसी के साथ खेलती है। मुझे क्या मालूम था, चरण ही तो कह रहा था कि वो उसे माँ कहता है। विश्वास भी एक बड़ी चीज है कुसुम, अगर हो मन में। हाँ, विश्वासी तो था जो शहर जाकर शादी कर ली। हाँ, उसके लिए दोषी मैं जरूर, लेकिन वो शादी कैसे की मैंने अगर तुम जानती तो शायद इतना दोषी न ठहराती। बिल्कुल निर्दोष तो नहीं हूँ, लेकिन दोष इतना बड़ा भी नहीं है जो माफ न किया जा सके। कम से कम जब कमला नहीं है इस दुनिया में। डॉक्टर नहीं थी? नहीं, वो शहर की भी नहीं थी। फिर कौन थी? आसाम की तरफ एक गांव है अनखन्ना, वहां की रहने वाली थी। मैं अपने एक दोस्त के साथ गया हुआ था। अजीब सफर था, शिकार का बहुत शौक था उसे। ऐसे घने अंधेरे जंगल थे कि दिन में हम एक दूसरे का चेहरा देख न पाते थे। भटकते हुए जब हम उस जंगल से गुजरे तो एक गांव में जा पहुंचे, वही अनखन्ना। पता नहीं मेरे दोस्त को कैसे ख्याल आ गया कि वहां उसके दूर दराज के फूफा रहते थे। ढूंढते हुए हम वहां जा पहुंचे। जी, वो राम भजन जी यहीं रहते हैं? राम भजन जी,
जी मैं विनोद हूँ, वो दूर के रिश्ते में मेरे फूफा लगते हैं। वो नहीं है, उन्हें गुजरे बहुत साल हो गए, 10 से भी ऊपर। आई नानी। अंदर बैठो आप लोग, पानी वानी पियोगे? हाँ पानी तो पियेंगे। ये तो भूतघर लगता है यार। यार भूत इतने खूबसूरत होते हैं मुझे नहीं मालूम था। सब माया है प्यारे, माया इल्यूजन, सब कुछ नजर आता है। छू कर देखो। कुछ नहीं भाई, अब क्या है तो छू के देखो। हाँ जहाँ पर पढ़ा तो समझना अंधा है, नहीं पढ़ा तो भाई। लो पानी। कहाँ घूमती रहती है दिन भर, कितनी बार तुझसे कहा जब बाहर जाए तो कुंडी मत लगाया कर किवाड़ में। बाबू आएगा तो किवाड़ कौन खोलेगा? बाबू वो कौन? शायद पति होगा इसका। शादीशुदा तो नहीं लगती है। तो फिर भाई होगा? क्या डाला है पानी में? थोड़ी सी दवा डाली है, खांसी अच्छी हो जाएगी, पी लो। अरे तुझे कहा ना, दवा नहीं चाहिए मुझे, यूं नहीं मरती तो डॉक्टर मैं मार देंगे मुझे। कहाँ जा रहे हो? बीमार लगते हैं, जरा देख के आता हूँ। कौन कौन है लक्की? बाबू, बाबू बेटा, बाबू बेटा। कोई भी तो नहीं है नानी, तुम तो खामखा वहम में पड़ी हो। गया तो था सीढ़ियों पर। कहाँ, मुझे तो कोई दिखाई नहीं देता। ऊपर जिंदा पति नानी का अंधी है। अभी तो शुरुआत है बेटा, पता नहीं क्या क्या दिखाई देगा। मेरा तो ख्याल है कि थोड़ी देर में तुम्हारे फूफा राम भजन भी दिखाई दे जाएंगे। हाँ वो तो है। अभी तो एक और करेक्टर आने वाला है। कौन? बाबू। आप लोग यहाँ बैठो, मैं कुछ खाने पीने को लाती हूँ। भूख तो लगी होगी? हाँ भूख तो लगी है। आपकी नानी काफी बीमार मालूम होती है। हाँ क्या बीमारी है? बुढ़ापा, 70 बरस की तो है। ये बाबू कौन है? कोई नहीं, नानी जो कह रही थी। उसे बचपन में शादी हुई थी मेरी, 15 बरस हो गए उसे गए, लेकिन नानी अभी तक यही सोचती है कि वापस आएगा। 2-3 बरस से तो यही रट लगी रहती है दिन रात। उस वक्त एक लड़की का ख्याल मुझे भी आया था, कुटनी का। सच कहूं ये सोचा भी नहीं था कि कुटनी इतनी बड़ी हो गई होगी। अगर सोचा भी तो यही कि कुटनी कब की शादी करके घर बसा के बैठी होगी। कुसुम नाम तो मालूम ही नहीं था मुझे। फिर? हाँ फिर कमला में बिठा कर बाहर कुछ लाने चली गई। लकी नाम था ना उसका? कमला ही उसका असली नाम था।
उसकी नानी उसे लक्की बुलाया करती थी। तो कमला बाहर चली गई और थोड़ी देर बाद ही अचानक उसकी नानी की आवाज़ें आने लगी। चली गई। अरे अरे करम जली, बाबू आके चला जाएगा तो कौन कौन है कौन है कौन बाबू बाबू तू आ गया बेटा। देखा देखा मरने का थी मरने का थी हाँ नानी माँ मैं आ गया। चलो अंदर चलो चलो मैं जानती थी तू आएगा इसीलिए तो जी रही थी बेटा सिर्फ तेरे लिए ही जी रही थी। लक्की की माँ तो रात देखते देखते मर गई। अब तू ही संभाल ले अपनी लक्की को बेटा। बाबू अगर तू इसे संभाल लेगा तो मैं भी मर सकूंगी। कहाँ गई है? मैं समझी फिर किवाड़ बंद कर गई। लक्की लक्की देख बाबू आ गया। मैंने कहती थी वो आएगा। देख बेटी मैंने उधर क्या कर रही है। इधर आना आना लक्की। कहाँ चली गई तू? कहाँ चली गई थी बेटी? किवाड़ खुला छोड़ गई थी ना। बस अब चाहे तो कुंडी लगा दे। अब इसे मत जाने दीजिए बाबू बेटा। अब इसे मत छोड़ियो रे। बहुत रोई है ये तेरे लिए। बहुत मार दी थी इसे। इसे मत छोड़ियो बेटा। बड़ी जान है ये मेरी बेटी। बहुत दुख सही है इसने। बाबू बेटा बोला तू इसे छोड़कर नहीं जाएगा ना। बोल बेटा नहीं जाएगा ना। नहीं जाऊंगा नानी माँ। अब कहीं नहीं जाऊंगा। मैं रहूंगा यहाँ। रहूंगा लक्की के पास। बच्चों की तरह नानी मेरा हाथ पकड़ के रोती रही। बच्चों की तरह उस पर सो गई लेकिन मेरा हाथ नहीं छोड़ा। बरसों बाद जो लौटा था उसके फिर चले जाने से डरती थी। रात गए तक मैं बैठा रहा नानी के पास। मुझे खाने के लिए भी नहीं उठने दिया उसने। जब नानी बिल्कुल सो गई तो कमला धीरे उठाकर नीचे ले गई मुझे। नानी ने बड़े अच्छे दिन देखे थे इस घर में। जब तक बाबा थे इस घर में कोई ना कोई आया गया रहता ही था। लेकिन उनके बाद माँ को देखने कोई नहीं आया। एक एक करके सब रिश्तेदार अलग हो गए। बस एक नानी थी जिसने संभाल रखा हम दोनों को। और फिर माँ भी चली गई। बिल्कुल सुनसान हो गया ये घर। बस नानी और मैं। बरसों से किसी और की सूरत नहीं देखी इस घर में। आज
बरसों बाद ऐसा लगा कि हम जिंदा हैं, अभी इंसानों की बस्ती में रहते हैं। नानी गुजर गई, किस वक्त हुआ ये पता नहीं, नींद में चली गई। ऐसा लगता है सिर्फ बाबू की खबर सुनने के लिए ही अब तक जाग रही थी, एक बार उठी भी नहीं, करवट भी नहीं ली। नानी गुजर गई, कब? रात को। अब क्या करेंगे? मेरा तो ख्याल है किसी, चलो यार, खामखा किस झंझट में फंस जाएंगे। कैसी बात करते हैं यार, बेचारे को अकेले छोड़ के जाएंगे, क्या करेगी? हैं तो सही यार, इतने सारे लोग, तुझे शर्म नहीं आएगी इस तरह छोड़ के जाते हुए? आई हूँ यार, लेकिन ऊपर चले। विनोद, या नहीं अंदर जाके पियो। अब यहाँ क्या करोगी? वही जो आज तक करती थी। क्या? जो माँ करती थी, माँ के बाद नानी और नानी के बाद मैं, उस कभी ना आने वाले का इंतजार। मैं भी एक दिन बिल्कुल नानी की तरह बाबू बाबू करते करते ऐसे ही यहाँ। कोई और रिश्तेदार है तुम्हारा? शहर क्यों नहीं चली जाती? किसके पास? विनोद के माँ बाप के पास। विनोद ना सही, उसके माँ बाप तो जानते हैं तुम्हारा रिश्ता। मैं नहीं जानती, न माँ गई थी किसी के पास, न बाबा, न मैं जाऊंगी। अब बाकी भी क्या रह गया है, वो तीनों तो भुगत गए, अब सिर्फ मैं ही बची हूं। मैं भी किसी दिन, वो रात वहीं काटी। अगली सुबह जिस कमला को देखा, वो रात वाली कमला ही ना थी, बिल्कुल कोरी, बेताल्लुक, पिछले दिन का कोई भी साया बाकी नहीं था उस पर। दरियां उठा दी? हाँ उठा दी। कोई आएगा तो? क्यों आएगा? मतलब? यह तो आज मरो कल चूल्हा जल जाता है। यह जिंदों के लिए कोई नहीं मरता, मुर्दों के लिए कौन मरेगा? क्या हुआ यार? अजीब औरत है यार, बड़ी रुकी रुकी से लग रही है, लगता नहीं जैसे कल से यहां रह रहे हैं। कमाल है। कब जाओगे आप लोग? बस अभी चले जाएंगे। कुछ चाहिए? कुछ नहीं। हद है यार, बहुत ही सुर उतरा हुआ, कल तक तो ऐसे नहीं थी, पता नहीं आज क्या हो गया है। रखी, हम लोग चलें। हाँ जाओ। हम चले आए।
उसे छोड़ के चले आए? हाँ, उसे छोड़कर चले आए। अभी गांव के बाहर निकले भी नहीं थे कि विनोद को ख्याल आया, उसका पर्स वहीं रह गया है तकिए के नीचे। मैंने पूछा, क्या बात, पैसे थे उसमें? 1100 तो होंगे। चल रहने दे, बेचारे के काम आएंगे, 4-6 महीने अच्छी तरह कट जाएंगे। नहीं, मगर कुछ जरूरी कागजात भी हैं उसमें। फिर वापस जाना पड़ेगा? जाना ही पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि बटुआ उसके हाथ लग गया, तभी सुर उतरा हुआ था उसका। मिल गए? सब ठीक है? हाँ, चलो। ये लक्की दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई होगी? वो गई बाबू के पास। चल। लक्की, 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 विनोद, विनोद जल्दी ऊपर आ। क्या हुआ? जहर खा लिया इसने। जहर? हाँ, नीचे से जाकर पानी लेकर आ। और सुन, बहुत सारा नमक डाला उसमें। मैं लेके आता हूँ। चंद घंटे भी देर हो जाती तो कमला नहीं बच सकती थी। हमारे जाते ही जहर ले लिया था उसने। कमला को बचा तो लिया मैंने, लेकिन शाम तक जब होश में आई यही कह रही थी, मैं क्यों इंतजार करूं किसी का, नानी की उम्र तक क्यों इंतजार करूं। मैं जानता था आज नहीं तो कल भी कमला यही करने वाली है। और फिर मैं उसे अपने साथ ले आया, शादी करके शहर ले आया। ओ, बहुत देर हो गई। अरे, ये तो यूं ही सो गया, जरा देखो तो इसके कपड़े सूख गए क्या। चरण को आज यही रहने दो ना, मैं भी अकेली हूं। माँ पूछेंगी तो क्या कहूंगा? क्यों, सच नहीं कह सकते? सच तो यह है कि जिस तरह तुमने कड़े लौटाकर अपमान किया माँ का, उन्हें मेरा यहाँ आना भी अच्छा नहीं लगेगा। मैंने तो कड़े ही लौटाए हैं, लेकिन जब मुझे लौटा दिया था, मेरी माँ को घर से निकाल दिया था, तब क्या किसी का अपमान नहीं हुआ? तुम क्या बदला ले रही हो माँ से? नहीं, अपना सम्मान मांग रही हूँ, माँ से नहीं, तुमसे। चरण, रहने दो ना, तुम छोटा ना करो। तुम माँ के सामने छोटा होते मुझे कोई शर्म नहीं। कल आकर ले जाना हमें, मैं चरण की उंगली पकड़ के चली आऊंगी। अच्छा, मैं माँ को समझा लूंगा।